तो विनय जी, हमारे अतिथियों का स्वागत तो शब्दों के माध्यम से हो गया, क्यों ना अब संगीत के माध्यम से सभी का स्वागत करें। जी बहुत अच्छा अंजलि जी, औपचारिक स्वागत तो हो गया, अब संगीतमय और नृत्यमय स्वागत करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी विश्व हिंदी सचिवालय के किसी भी कार्यक्रम में IGCIC इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के कलाकारों की अनुपस्थिति ये असंभव है। आप जानते ही हैं, मुझे पता है आप लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आज की पहली प्रस्तुति बीती विभावरी जागरी, जयशंकर प्रसाद जो कि छायावादी प्रमुख कवि हैं और जिनके बारे में हम लोगों ने काफी पढ़ा है और सुना है और उनसे परिचित होते हैं हमारे पाठ्यक्रमों के माध्यम से, तो उनकी कविता पर आधारित एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं यहाँ के IGCIC के कलाकार। और मैं आपको बता दूं कि संगीत व गायन राहुल मधुकर रनाडे की है और तबला पर जाकिर हुसैन, कीबोर्ड पर विजय मुनिस्वामी है, बांसुरी पर विमल रामा है, गिटार पर अश्विन जोधन है और नृत्य का निर्देशन श्रीमती दीपा चौधरी ने किया है। तो अंजलि, बीती विभावरी असल में इसका अर्थ क्या है, इसकी कुछ जो इन शब्दों का अर्थ नहीं जान पा रहे हैं, तो बीती विभावरी जागरी, विभावरी रात, रात बीत चुकी अब सवेरा हो चुका, अर्थात अंधेरा मिट गया अब प्रकाश सामने आ गया। तो आज भी यह कविता हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आसपास पड़ोस में या फिर छात्रों में या फिर अभिभावकों के मन में अगर हिंदी भाषा को लेकर कहीं भी कोई संकोच की भावना, कोई झिझक की भावना या कह लीजिए हीनता की भावना हो, तो इस अंधकार को दूर कर जागृति लाने का समय आ चुका है। अतः बीती विभावरी जागरी अर्थात हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में पूरी सक्रियता के साथ जाग जाइए और उस प्रकाश को फैलाइए। तो स्वागत कीजिए IGCIC के कलाकारों का जोरदार तालियों के साथ। Thank you.
अद्भुत प्रस्तुति थी, मंत्रमुग्ध हो गए सभी लोग। और प्रसाद की इस कविता को देखिए, हमारे कलाकारों ने किस तरह से नृत्य में ढाला और किस तरह से संगीत में बंद किया, सच में मनोरम मन भावक है मुझे लगता है। अंजलि, पूरा वातावरण ही जैसे सुरम्य हो गया है ना विनय जी।